सो टुडे वी विल टॉक अबाउट रोम्बोइड स्पीन। आप सबको पता है कि रोम्बोइड मसल कहाँ पे सिचुएटेड है। थोड़ा क्लोजर है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनने वाली है। मेनली इस वीडियो में हम रोम्बोइड पेन की एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ कि रोम्बोइड मसल कहाँ पे सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं पोस्टीरियर चेस्ट स्कैपुला के मीडियल साइड रोम्बोइड मसल सिचुएटेड है। इस एरिया में मिडल बोर्ड ऑफ द स्कैपुला जस्ट इसके साथ में अटैच है रोम्बोइड मसल, रोम्बोइड मेजर एंड रोम्बोइड माइनर। तो जब भी रोम्बोइड का पेन हो वो किस वजह से हो सकता है, आइदर इट मे बी बिकॉज ऑफ द टाइटनेस ऑफ द रोम्बोइड मसल और इंजरी ऑफ द रोम्बोइड मसल। और कई बार ये इंजरी इतनी ग्रेजुअल होती है कि पता नहीं लगता पेशेंट को, और इट मे ऑल्सो लीड टू द टीयर ऑफ द रोम्बोइड मसल। ठीक है, तो जब भी अपर बैक पेन हो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शोल्डर में कुछ अड़ा हुआ है, समथिंग लोक्ड इन माई शोल्डर, इस टाइप के अगर सिम्टम फील हो रहे हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, नाइट पेन हो रहा है आपको, एकदम सेंटर ऑफ द मिडल बैक या अपर बैक आपको पेन हो रहा है, वी कैन थिंक दैट इट इज अ रोम्बोइड स्पेन। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज, प्लीज लिसन केयरफुल, फर्स्ट एक्सरसाइज तो जब भी रोम्बोइड पेन की हम बात करेंगे, वी नीड टू पुट स्ट्रेस ऑन रोम्बोइड स्ट्रेचिंग ऑफ द रोम्बोइड मसल। इसको हम इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, ओके, अपने आर्म को अक्रॉस ले जाकर, अक्रॉस द चेस्ट, इस तरह आई एम गोइंग टू स्ट्रेच द रोम्बोइड मसल। रोम्बोइड मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप इस तरीके से उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। इस साइड से आइए तो ज़्यादा अच्छा। माई हैंड इज स्टेबलाइजिंग द स्कैपुला, माई राइट हैंड इज स्टेबलाइजिंग द स्कैपुला और मैं इसको पुल कर रहा हूँ अपनी साइड। तो आपको स्ट्रेच फील हो रहा है? यस। थ्री टू फोर स्ट्रेचेज आप दे सकते हैं। सेल्फ स्ट्रेच करके निकलिए कैसे करें, इस टाइप से आप सेल्फ स्ट्रेच अगर आप घर पे और फिर नियर बाय कोई फिजियोथेरेपी क्लिनिक नहीं है तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन स्ट्रेच योर बॉडी। सर एक बार और करके देखो। सो यू ऑलवेज स्टार्ट विद द स्ट्रेचिंग ऑफ द रोम्बोइड मसल। उसके बाद हमें क्या कंटिन्यू करना है, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रोम्बोइड मसल। उल्टे लेट जाइए, स्ट्रेचिंग हमने देख लिया कैसे करनी। नाउ इज द टाइम फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग के लिए देर आर थ्री एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं। आर्म्स को आपको स्प्रेड करना है दोनों साइड and you have to elevate both the arms. Next week, do it. 1, 2, hold. 1, 2, 3, 4, 5. Rest. Control. फिर से 1, 2, 3, 4, 5. Down. बीच में rest लीजिए. Again. ऊपर 1, 2, 3, 4, 5. ये exercise 4 to 5 times आप कर सकते हैं starting. Next exercise is अपने दोनों आर्म्स को इस तरह से होल्ड करो, अप डाउन अप डाउन डू। इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा खुल जाइए, इसमें यू हैव टू मूव योर आर्म्स, आपको चेस्ट के साथ आर्म्स भी मूव करनी है। ठीक है, आर्म्स को ऊपर लेके आओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज, इसको भी आप 5 to 6 टाइम्स अपने आप कर सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है, डू। अपने दोनों आर्म्स को बैक साइड से, मीन्स यू हैव टू डू द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। और आप देख सकते हैं कि इन सभी एक्सरसाइज में कौन वर्क कर रहा है, दीज आर द रोम्बोइड मसल और बोथ द साइड्स एंड द अपर बैक मसल्स। सो बेसिकली यू आर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द अपर बैक मसल्स। इसके साथ साथ आप प्लैंक्स भी कर सकते हैं, प्लैंक्स की पोजीशन आनी है। स्टार्टिंग में जो भी आपको इजी लगे, एटलीस्ट फॉर 5 सेकंड यू मस्ट, यू शुड डू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो आई मस्ट से प्लैंक्स इज वन एक्सरसाइज व्हिच इज गुड फॉर योर होल कोर। कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए आप प्लैंक्स कर रहे हैं तो इट विल वर्क ऑन द अपर बैक, मिडल बैक एंड द लोअर बैक बोन्स। ऑलराइट, ओके। सो द थर्ड टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज डंबल एक्सरसाइज।
आप 1 kg या 2 kg का डंबल ले सकते हैं. यू हैव टू वर्क ऑन योर रोम्बॉइड्स, ऑलराइट, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर रोम्बॉइड. सो प्लीज कंटिन्यू. सो यू कैन सी विच मसल्स आर वर्किंग इन दिस एक्सरसाइज. दीज आर द रोम्बॉइड्स, बोथ रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर. 1, 2. सो स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, जस्ट डू एंड फिनिश. बट वन यू आर यूज टू डू दीज एक्सरसाइजेस, आपको होल्ड टाइम अपना बढ़ा लेना और इसको होल्ड करने की कोशिश करो. 1, 2, 3, 4, 5 डाउन, अगेन 1, 2, 3, 4, 5 और सो यू कैन परफॉर्म दीज एक्सरसाइज at least for 10 times or 20 times in the beginning. All right. The next type of exercise is you can use the exercise tube, so you have to work on your rhomboid. This is also a type of stamping exercise. Take it. Stamping exercise and rhomboid can you have to perform like this. Both the shoulder blades aapko meet karwana hai usme. You can see in my upper back both the scapula are coming towards each other. And which muscle is working? And this is the rhomboid muscle of both the sides. करके दिखाओ. Alright. So you can see, you have to bring both the scapula towards each other like this. This is the correct way of doing the rhomboid sending exercise. इसमें आपके सारे upper back muscle use हो रहे हैं, plus your rhomboid is also working. ऑलराइट. सो अभी तक हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज देखी है, वी विल कीप अ शॉर्ट रिव्यू. उल्टे लेटे सारी एक्सरसाइज रिपीट कर दीजिए. दिस वन एट लीस्ट डू इट फॉर 2 times. 1, 2. सेकंड वाज दिस. 1, 2. एंड थर्ड वाज एक्सटेंशन. 1, 2. Alright, and the third was dumbbell and exercise tube. We'll meet soon. God bless you with this video. And aapko koi bhi query, you can drop down the comment. I'll definitely reply. God bless you.